हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चार, जो हम रसम भी कहते हैं। तो इसके मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिया है। यह है मैंने सारे कोरिएंडर, क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, लाल मिर्च सूखी, ये मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है, चाहे तो आप ड्राई कोकोनट भी ले सकते हैं, साल्ट, हाफ टेबल स्पून ऑफ हल्दी, ब्लैक पेपर एंड 3 गार्लिक क्लोव, थोड़ी सी इमली, इसको मैंने थोड़ा सा वाटर में वाटर डाल के भिगोया है ताकि इसका अच्छे से जूस निकले। ये है हाफ टमाटो, और मैंने इस बघारने की वाली हाफ ऑनियन, करी लीव्स, जीरा और राइन, 2 लाल मिर्च और ऑयल, फ्रेश कोरिएंडर। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है, अब मैं इसको सारे मसालों को अच्छे से भून लेती हूँ। कोरिएंडर, जीरा, गार्लिक एंड ब्लैक पेपर एंड रेड चिलीज। तो ये अच्छे से भून लिया है मैंने, तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश कोकोनट। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल के ये टमाटोज फ्राई होने के लिए रखते हैं। चलिए अब हम इसको देखते हैं। ये टमाटो भी अच्छे से भून लिया है मैंने, तो इसको भी मैं निकाल के थोड़ा सा 5 मिनट ठंडा होने देती हूँ ताकि हम ग्राइंड में ये डाल के पीस सकें। तो मैंने और एक पैन लिया है, इसमें अब मैं डालूंगी ऑयल, ये 2 टेबलस्पून है छोटे वाले। तो ये ऑयल गर्म हो गया है, तो इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा ये, थोड़ा ऑनियन फ्राई होने तक, तब तक हम इसका मसाला पीस लेते हैं। तो ये ऑनियन हल्के से लाइटली गोल्डन हो गया है, मैं इसमें डालूंगी मसाला। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऐड करते हैं। तो मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ ताकि ये मसाला अच्छे से भून जाए। वन टेबल स्पून ऑफ साल्ट, हल्दी, तो ये मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी इमली, वाटर, मैंने 1 ग्लास वाटर डाल लिया है इसमें। तो अब इसको मैं पकने देती हूँ 5 to 5 मिनट्स।
तो इसमें मैं डालूंगी फ्रेश कोरिएंडर, तो मैं इसको ये उबल आ गया है तो अब मैं इसको फ्लेम स्विच ऑफ कर देती हूँ। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये रहा हमारा अचार। इसको बहुत से लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनाते हैं लेकिन इसका टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।